दमोह के एक पोस्टर ने हिलाकर रख दिया था। ये पोस्टर गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल का था, जिसमें मेरिट लिस्ट में आने वाली छात्राओं को हिजाब में दिखाया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं अब राज्य बाल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। दमोह की गंगा जमुना स्कूल के पोस्टर का मामला, मेरिट में आई छात्राओं के हिजाब में लगाए थे फोटो, राज्य बाल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हुए कान खड़े। स्कूल की दो महिला टीचर्स ने किया धर्म परिवर्तन। दमोह की गंगा जमुना स्कूल के मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यहां पर हिंदू छात्राओं का फोटो हिजाब में लगाया गया था। सीएम शिवराज ने इस पर सख्त रुख अपनाया था। वहीं राज्य बाल आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि स्कूल की दो टीचर्स ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। वहीं अब इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सांसद प्रज्ञा ठाकुर की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि दमोह के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीजें उभर करके आईं और उन दमोह के अंदर जो जमुना गंगा जमुना जो जिहादी गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने शासन ने कार्रवाई की है, उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि दो महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा, ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीश खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीश खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन तीन लोगों का इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है? जिहादी साम्राज्य इन्होंने जो खड़ा किया है, हजारों एकड़ जमीन इनके पास कहां से आई? इतना बड़ा संस्थान, इतने बड़े इन्होंने दुनिया खड़ी कर दी है साम्राज्य, जिसको मैं कहता हूं कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला? हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसा कर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो जिहादी साम्राज्य खड़ा हुआ है, इस जिहादी साम्राज्य की जांच मैं आज बड़े गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। टेरर फंडिंग के साथ ये लोग जुड़े हैं। इन लोग ऐसा है, इधर में अपना अपना कार्य करते हैं, धर्म पर चलने वाले लोग जब शिथिल होते हैं तो अधर्म बढ़ता जाता है, और यही हो रहा है। वो अपने मिशन को लेकर के चल रहे हैं, षड्यंत्रों को लेकर के चल रहे हैं, और हम जहां शिक्षा का क्षेत्र एक देव स्थान माना जाता है, वहां पर ये कुकृत्य कर रहे हैं, अपनी विषैली मानसिकताएं फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारती हूँ, और हमारा शासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सचेत हैं, इसलिए इनको उचित दंड मिलेगा। आपको बता दें, मामले की जांच में राज्य बाल आयोग के साथ दमोह कलेक्टर की टीम जुटी है। वहीं अब इसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।